गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो नंबर 266 में मैंने एक ग्राफ दिखाया था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उस ग्राफ का पैटर्न बनाकर दिखाऊं, तो आज मैं वही पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए इसमें टू कलर के उल लगेंगे। मैंने सेम कलर जो पैटर्न हमारे प्रोजेक्ट में पहले वाले वीडियो में है, मैं सेम कलर की उल भी ली हूँ ताकि आप लोगों को कोई तरह की कंफ्यूजन ना हो। देखिए वही व्हाइट कलर है और दूसरी ये ग्रे कलर की ऊन है। बस सेम कलर की ऊन और सेम पैटर्न में बताऊंगी। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 13 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और 24 रोज में ये बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखिए 28 स्टिचेस ली हूँ, 13 + 13 + 2। ठीक है, और इतना सा मैंने बॉर्डर बना लिया है। इसके आगे मैं पैटर्न बनाऊंगी, तो 24 रोज में टोटल कंप्लीट होंगे। हमारी फर्स्ट रो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए हमारी ये फर्स्ट कलर है और सेकंड कलर हमारा ये है। ठीक है, पहला फंदा हम पहले बुन लेंगे। और यहां से भी स्टार्ट करेंगे, हमारे पैटर्न स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, यहां से पहले स्टार्टिंग में हम चार फंदे सेकंड कलर से बुनेंगे, 1 2 3 4, चार फंदे बुने। अब यहां से पांच फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5, एक फंदा फिर से हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, दो फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे। यहां से हमारा जो है एक पैटर्न हमारा तैयार हो गया। हमारा एक्स्ट्रा वाला पैटर्न फंदा है 2 4 6 8 10 12 1 ये 13 फंदे, 13 फंदे का एक पैटर्न। अब यहां पर आप एक मार्कर डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर हम दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में एक पैटर्न से नहीं होगा। जितने भी पैटर्न होंगे मैं इस तरह से बता रही हूँ कि दो पैटर्न लेकर मैं बता रही हूँ इसमें। ठीक है, फिर यहां से हम स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सेकंड कलर के, 1 2 3 4, पांच फंदे फर्स्ट कलर के, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5, एक फंदा सेकंड कलर का, फिर एक फंदा फर्स्ट कलर का, फिर दो फंदा सेकंड कलर का, और लास्ट का फंदा ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा देखिए दो पैटर्न हो गया, 13 फंदे का इधर, 13 फंदे का इधर, ये दो पैटर्न हो गया। अब आ जाते हैं रोंग साइड, रो नंबर 2। इसमें जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुनाई करनी है। रोंग साइड में हर वक्त हमें इसी तरह से बुनाई करनी है, इसीलिए मैं रो नंबर 2 4 6 7 10 12 14 16, ये जो नंबर होंगे या रोंग साइड की जो बुनाई होगी वो मैं नहीं आगे दिखाऊंगी, सिर्फ राइट साइड से जो होंगे वही मैं बताऊंगी। तो इसमें देखिए, ये मैंने देखिए सेकेंड कलर से बुन लिया। अब ये हमारे फर्स्ट कलर के हैं, इसे हम फर्स्ट कलर से ही बुनेंगे। और एक बात की और ध्यान देनी है कि राइट साइड से हम राइट ही बुनेंगे और रोंग साइड से हम रोंग ही बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा सेकंड कलर से बुना हुआ है, 1 2 3 4 फंदा। फिर ये हमारा मार्कर है, मार्कर को भी इस पर वापस ले आएंगे और दो फंदे और है हमारे सेकंड कलर के, तो उसे बुन लेंगे। फिर जो फर्स्ट कलर के फंदे हैं उसे फर्स्ट कलर से बुनेंगे और जो सेकंड कलर के फंदे हैं उसे सेकंड कलर से बुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं रो नंबर 3 राइट साइड में। यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे, ठीक है। अब यहां से हम 3 फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे, 3 फंदे फिर हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, 1 फंदे फर्स्ट कलर से, फिर 1 फंदे सेकंड कलर से। तो देखिए हमारी ये एक पैटर्न बनकर तैयार है, और इसके बाद ये मार्कर आ गया, मार्कर को वापस पर डालेंगे, फिर से सेम बुनाई हम इधर रिपीट करेंगे। स्टार्ट में देखिए 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 2, 3, 4 और ये 5, 3 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, फिर 1 फंदे फर्स्ट कलर से, फिर 1 फंदे सेकंड कलर से, और लास्ट का फंदा है जो कलर हमारा लास्ट रहेगा उससे हम लास्ट वाला फंदा बुन लेंगे एक्स्ट्रा वाला। तो ये हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर 4 रॉन्ग साइड में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से हम बुनाई करके कंप्लीट कर। रो नंबर 5 पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब यहां से पैटर्न हमारा स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, उसके बाद यहां से सेकंड कलर से हम 5 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे, 2, 4 और ये 5 फंदे हमने सेकंड कलर से बुने, 1 फंदे फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, फिर 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे, और फिर लास्ट का एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। तो हमारा एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। मार्कर इधर डालेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा हमारा फर्स्ट कलर से होगा, फिर यहां से 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, फिर 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। फिर एक कलर एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, लास्ट का फंदा है उसे भी हम फर्स्ट कलर से, लास्ट में हमारा जो फंदा जिस कलर से रहेगा वो फंदा हम बुन लेंगे, ठीक है। तो रो नंबर 5 भी हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 6 रॉन्ग साइड, इसमें जो फंदे जिस कलर के हैं उस कलर से हम बुनाई कर लेते हैं। रो नंबर 7 पहला फंदा स्लिप करेंगे, और यहां से हम 2 फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 2 फंदे हमने फर्स्ट कलर से बुन दिए, 3 फंदे फिर हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर एक फंदा फर्स्ट कलर से, 5 फंदा सेकंड कलर से, 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 2 फंदा हम फर्स्ट कलर से बुन लेंगे। तो ये हमारे देखिए एक पैटर्न कंप्लीट। फिर मार्कर आया, मार्कर को हम वापस से राइट वाले नीडल पर लेंगे, और फिर यहां से हम दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदा फर्स्ट कलर, 3 फंदा सेकंड कलर, 1, 2, 3, 1 फंदा फर्स्ट कलर, 5 फंदा सेकंड कलर, 2, 3, 4, 5 और फिर 2 फंदा फर्स्ट कलर, और लास्ट का ये एक्स्ट्रा वाला फंदा उसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई।
रो नंबर 8 हम रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे जिस कलर के दिख रहे हैं वैसे बुन लेते हैं। रो नंबर 8 के बाद आ जाते हैं हम रो नंबर 9 और राइट साइड में पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट में हम तीन फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर एक फंदा सेकंड कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, फिर 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर 3 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। तो ये हमारे देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद मार्कर है, मार्कर को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर से हम यहाँ से दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 3 फंदे हमारे फर्स्ट कलर से होंगे, 1, 2, 3। एक फंदा सेकंड कलर से, फिर एक फंदा फर्स्ट कलर से, फिर 5 फंदा हमारा सेकंड कलर से, 1, 2, 3, 4 और 5 और 3 फंदे फर्स्ट कलर से, 1, 2, 3 और लास्ट का ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा वाला है, इसे हम बुन लेंगे सीधा। तो इस तरह से हमारी देखिए दूसरी पैटर्न भी कंप्लीट हो गई, रो नंबर 9। अब रो नंबर 10 हम रॉन्ग साइड में है, जो फंदे जिस कलर के दिख रहे हैं वैसे हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 11 राइट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। 4 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर 4 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। हमारा पहला पैटर्न हो गया। मार्कर ट्रांसफर करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से दूसरा पैटर्न। 4 फंदा हम फर्स्ट कलर से, 2, 3 और ये 4। 5 फंदा हम सेकेंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर 4 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। लास्ट का फंदा एक्स्ट्रा वाला, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो रो नंबर 11 भी हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 12 हम बुन लेते हैं। रो नंबर 13, पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 3 फंदे फर्स्ट कलर के, 1, 2 और ये 3 फंदे। फिर 5 फंदे सेकंड कलर के, 1, 2, 3, 4, 5। एक फंदा फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, एक फंदा सेकंड कलर से बुनेंगे, 3 फंदे फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3। ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। मार्कर इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में और यहाँ से फिर हम दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 3 फंदे फर्स्ट कलर से, 2 और ये 3। फिर 5 फंदे सेकंड कलर से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, एक फंदा फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, एक फंदा फिर हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 3 फंदे फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3 और लास्ट का एक्स्ट्रा वाला फंदा, इसे हम बुन लेते हैं, सीधा बुन लिए। तो रो नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। रो नंबर 14 हम रॉन्ग साइड से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 15 राइट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, ठीक है, फिर 5 फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 फंदे हमने सेकंड कलर से बुने, फिर एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, 3 फंदा सेकंड कलर से बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर 2 फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे,
हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। मार्कर ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरी पैटर्न की ओर बढ़ेंगे, फिर दो फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, एक फंदा फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, तीन फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन और लास्ट के दो फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। एक्स्ट्रा वाला फंदा है इससे हम सीधा बुन लेते हैं। तो रो नंबर 15 भी हमारी कंप्लीट हुई। रो नंबर 16 हम बुन लेते हैं। रो नंबर 17, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा फर्स्ट कलर से ही बुनेंगे, फिर पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, फिर पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर एक कलर एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गई। ट्रांसफर करेंगे इधर हम मार्कर को, फिर यहाँ से दूसरे पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर एक फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार और पांच, फिर लास्ट में एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे और एक्स्ट्रा वाला फंदा है उसे हम बुनेंगे। तो रो नंबर 17 हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 18 हम रॉन्ग साइड से जो फंदे जिस कलर में दिख रहे हैं उसे हम बुन लेते हैं। रो नंबर 19 राइट साइड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, एक्स्ट्रा वाला फंदा, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो पहला फंदा हम सेकंड कलर से बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, तीन फंदे हम फिर सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, एक दो और ये तीन, फिर पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार पांच। तो ये हमारा देखिए पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला। ट्रांसफर करेंगे हम मार्कर को और सेकंड पैटर्न हम बुनेंगे। एक फंदा हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक फंदा फर्स्ट कलर से बुनेंगे, तीन फंदा हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, एक दो तीन, फिर पांच फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच और ये लास्ट एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसे हम सीधा ही बुन लेते हैं। तो रो नंबर 19 हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 20 रोंग साइड से हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 21 राइट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। दो फंदा हमारा सेकंड कलर का बुनाई होगा, एक फंदा फिर हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, एक फंदा फिर हम सेकंड कलर से बुनेंगे, फिर यहाँ से पांच फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे, फिर चार फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक दो तीन चार। एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए मार्कर को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से फिर हम दूसरा पैटर्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दो फंदा हमारा फर्स्ट कलर का होगा, एक फंदा सेकंड कलर सॉरी दो फंदा हमारा सेकंड कलर का हुआ, एक फंदा हमारा फर्स्ट कलर का होगा, फिर एक फंदा सेकंड कलर का, फिर पांच फंदा हमारा फर्स्ट कलर का, एक
दो, तीन, चार और ये पांच फंदा, चार फंदा हमारा सेकंड कलर का होगा। एक, दो, तीन, चार और लास्ट वाला फंदा हम सेम कलर से बुन लेते हैं। तो रो नंबर 21 हमारी कंप्लीट हो गई। रो नंबर 22 हम कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 23 राइट साइड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और स्टार्टिंग यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। तीन फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक, दो और ये तीन फंदे हुए हमारे। एक्स्ट्रा वाला फंदा बुना हमने, तीन फंदा फर्स्ट कलर से बुना। अब यहां से हम सात फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। फिर तीन फंदे सेकंड कलर से, एक, दो, तीन। तो हमारा देखिए फर्स्ट पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। मार्कर ट्रांसफर करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीन फंदे सेकंड कलर से, एक, दो, तीन। सात फंदे हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये सात। और तीन फंदे फिर लास्ट के हम सेकंड कलर से बुनेंगे, एक, दो और ये तीन फंदे। एक्स्ट्रा वाला फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। रो नंबर 23 कंप्लीट हुआ। रो नंबर 24 रॉन्ग साइड से जो फंदे जिस कलर के दिख रहे हैं उस कलर से बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। रो नंबर 24 कंप्लीट करने के बाद ये हमारा पैटर्न देखिए बनकर तैयार हो गया। कितना प्यारा सा पैटर्न है। तो बनाइए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पैटर्न आपको कैसा लगा। ये पैटर्न एकदम रेडीमेड लुक देने वाला है, एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।